अज्ञानता के कारण। तो अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान दे देती है भक्ति। यानी जो मेन जड़ है अविद्या, उसको अज्ञान को नष्ट करती है, ज्ञान देती है। जब ज्ञान आता है तब जाकर के मन गंदे गंदे बातें सोचना बंद करता है, यानी वो पाप का बीज मन शुद्ध होता है, तब जाकर के हम संसार में पाप करना बंद करते हैं। यानी जो तीनों क्लेश है, अविद्या, पाप का बीज और पाप, इसको नष्ट करने वाली एकमात्र भक्ति, समस्त दोषों से मुक्ति करती है भक्ति। जितने आप लोग अपने दोषों को हटाने के लिए कर्म कांड करते रहते हैं, अरे ये दोष लग गया, पितृ दोष है, ये लग गया, फिर वो लग गया, फलाना निकाना, जितने आप साधन करते हैं ये सब कर्म कांड है। बिना भक्ति के तो अगर आप ये करेंगे तो नियम मानने पड़ेंगे, और अगर नियम का पालन नहीं करेंगे दंड भोगना पड़ेगा। और यही होता है, इतना करते हैं हम पूजा पाठ अपने दोषों से मुक्त होने के लिए, फिर भी दुखाते हैं जीवन में। सीधे सीधे भक्ति करो, सरल भक्ति करने से आप समस्त दोषों से अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएंगे, परिवार के समस्त दुखों से आप दूर हो जाएंगे, सारे दुख आपके चले जाएंगे केवल भक्ति करने से। तो भक्ति का पहला गुण है क्लेशाग्नि, और सुनिए ध्यान से। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है शुभता। यानी शुभता माने भक्ति तीन प्रकार से सदा शुभ देने वाली है, सदा शुभ देती है, अच्छा अच्छा देती है। बहुत ध्यान दे करके सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जाऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा, अभी तो समय है, ध्यान दीजिए। तो भक्ति का दूसरा गुण है शुभता, यानी शुभ करने वाली, सबका शुभ करने वाली। और ये तीन प्रकार की होती है, ये भी जैसे क्लेश आदमी तीन प्रकार के, ऐसी शुभता भी तीन प्रकार की। वो कौन कौन सी? एक, भक्ति करने से पहला समस्त जगत की प्रीति, दूसरा समस्त सद्गुणों का प्रादुर्भाव, और तीसरा समस्त सुखों की प्राप्ति भक्ति करने से। बहुत ध्यान देकर सुनिए, पहला यानी समस्त जगत से प्रीति हो जाती है जो भक्ति करता है। यानी जो जीवात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो अनंत कोटि समस्त देवी देवता, यहाँ तक कि पितर लोग के आपके पितर भी, आपके पूर्वज सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सब कृपा जताना शुरू कर देते हैं आपके जीवन में केवल श्री कृष्ण भक्ति करने से। यानी ध्यान दीजिएगा, समस्त जगत की प्रीति हो जाती है। अलग से फिर किसी की पूजा पाठ, अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली तो समस्त जगत मान लेता है, समस्त देवी देवता मान लेते हैं कि तुमने मेरी पूजा कर ली, अलग से खोलने की जरूरत नहीं, हम सब प्रसन्न हो चुके हैं। हाँ, ये भक्ति करने का सबसे बड़ा फायदा है। ध्यान देते रहो, जैसे पेड़ है, अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डाल दें तो अपने आप पत्ते पत्ते तक पहुंच जाता है, अलग अलग पत्ते में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप पत्ते पत्ते में पानी डाल रहे हैं, पेड़ को, जड़ को छोड़ देंगे तो पेड़ सूख जाएगा। ऐसी श्री कृष्ण की भक्ति है, जिसने श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया तो समस्त देवताओं को उसने प्रसन्न कर लिया, अलग से उनकी पूजा करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समस्त जगत की प्रीति हो जाती है। और यहाँ तक कि आपके पितृ लोग भी सब खुशी से अपने लोक में नाचने लगते हैं कि हमारे वंश में श्री कृष्ण भक्त पैदा हुआ। और फिर जब वो प्रसन्न रहते हैं तो आपके घर में प्रसन्नता देते हैं, वरना तो ये जो दुख आते हैं इसीलिए आते कि जब जी भक्ति नहीं करता परिवार में तो वहां कष्ट पाते हैं आपके पितृ, जब वो कष्ट पाते हैं तो आपके जीवन में दुख भेजते हैं, बड़े बड़े दुख आते हैं, भयानक दुख आते हैं, दिवालिया निकल जाएगा, परिवार एक साथ मर जाता है, ऐसे ऐसे दुख दे डालते हैं पितृ लोग। लेकिन अगर आप भक्ति कर लो, सब प्रसन्न, कुछ अलग से उनकी पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है अपने पूर्वजों की, बस आप भक्ति करो सब प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ,
यानी समस्त जगत की प्रीति, सारा संसार उस जीवात्मा से प्यार करने लग जाता है, समस्त देवी देवता कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए भक्ति करो। ये जो हम लोग इतने प्रकार के भगवान घर में रखे रहते हैं, इसलिए तो प्रेम नहीं होता। आज इनकी पूजा, आज उनकी पूजा, आज उनकी पूजा। एक का ध्यान करना इतना कठिन है, तो आप रोज रोज बदलेंगे तो कैसे ध्यान होगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तमा, अनन्य बनो, हर भगवान का कानून है, एक को मानो, क्योंकि सब भगवान एक हैं, एक को मानो। बाकी सब भगवान मान लेते हैं कि मेरी पूजा पाठ भक्ति हो गई है, तो समस्त जगत की प्रीति करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। आज ही हम ये जो गुण है, सात्विक गुण है, आज हर कोई नारा तो लगाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आकर के नारे लगाते हैं, घूसखोरी बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, आपस में प्यार से रहो, लेकिन हो तो नहीं रहा। इतने बड़े बड़े लेक्चर हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हो तो नहीं रहा। बचपन से सुन रहे हैं झूठ बोलना पाप है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। बचपन से सुनते हैं चोरी करना पाप है, फिर भी चोरी करते हैं। सब सुनते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, फिर भी उनका अपमान करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं ये सद्गुण आए हम लोगों के अंदर। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर ये सात्विक गुण आए, सद्गुण आए। ये कैसे आएंगे? अनंत काल से, इतने अनंत काल तो छोड़िए, इस जन्म में भी, इस मनुष्य शरीर में, हर घर घर में, गली गली में नारे लगते हैं, भाईचारे से रहो, आपस में प्यार से पढ़ो, रहो। ये क्यों, ये हो क्यों नहीं रहा है प्रैक्टिकल? ठीक है रहे, ठीक है झूठ ना बोले, लेकिन करें कैसे? कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिशियन, कोई पुलिस की जरूरत नहीं, बस भक्ति का डंडा पकड़ लो, अपने आप सब जीव सुधर जाएंगे। सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है भक्ति करने से। और तीसरा शुभता, यानी भक्ति करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अब ये आप लोगों के लिए है, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि मैं सब लोगों के घरों में जाती हूँ, हर कोई रोना रोता रहता है, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, हमारा लड़की बहू का बेटा नहीं हो रहा, हमारी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, कुछ कृपा कर दीजिए, थोड़ा घर में सुख शांति बने रहे, बहुत झगड़े हो रहे हैं, या ऐसे कि बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में कष्ट ही कष्ट है, आज उसका निवारण बता रहे हूँ। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आपके समस्त दुख दूर रहे, आप सदा अपने गृहस्थ में शांति से रहें, सुख से रहें। मेरा भी यही लक्ष्य है कि आप सदा सुखी रहें। तो ये कैसे सुख आएगा? भक्ति से। ध्यान देना, भक्ति समस्त सुखों की प्राप्ति करवाती है, समस्त सुख देती है। तीन प्रकार के सुख होते हैं, एक विषयानंद, एक मोक्ष और एक प्रेमानंद। ये तीनों प्रकार के सुख देती है भक्ति। विषयानंद माने ये जो माया का साम्राज्य है, यहाँ की जो हमारे को कामनाएं आती हैं, बेटा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, दिन भर इधर चक्कर लगाते हैं, उधर चक्कर लगाते हैं, जो कहता है इतना जड़ चढ़ाओ करेंगे, जो कहता है अरे यहाँ तीर्थ में चले जाओ वहां जाएंगे, ये करेंगे, कर्म कांड, पूजा पाठ सब करते हैं, भक्ति छोड़ देते। भक्ति, भक्ति समस्त सुखों को देने वाली है, यहाँ तक कि विषय आनंद, ये जो संसार के, जगत के जो सुख है, ये भी भक्ति से आपको मिल जाएंगे। जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप भगवान की भक्ति करो। या तो बिन चाहे मिल जाता है, देखो ध्रुव ने भक्ति की, उसको साम्राज्य मिल गया, मांगने तो वही गया था कि मुझे ऐसी पदवी दे दो, सब मिला। भक्ति करने से सबको मिलता है, प्रहलाद को मिला, पांडवों को मिला, सब ने भक्ति की, सबको भगवान ने ऐश्वर्य से संपन्न कर दिया। भक्ति की, द्रौपदी की लाज बचा ली, उसको बचाने की रक्षा की। भक्ति करने से समस्त सुखों की प्राप्ति है। क्या चाहते हो? पुत्र नहीं हो रहा, भक्ति करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, रूप ध्यान पूर्वक साधना करो। जो साधना मैं सुबह सिखा रही हूँ, आप मात्र एक महीना 40 दिन करो अपने आप मन से, लेकिन ना केवल देवी जी ने बोल दिया बस बैठ गए, ऐसा नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ
रूप ध्यान जब हमारा सचमुच में होने लगे, भगवान में अपनापन प्रेम के साथ मन से अगर आप रूप ध्यान करके भगवान की साधना करेंगे, तो फिर भगवान को आपकी हर इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। क्योंकि ऐसे सकाम भक्त हुए संसार में, बहुत भक्त हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्यों? केवल अपने संसार की कामनाओं को पूरी करने के लिए। भले वो अज्ञानी है, भले वो 84 लाख के बंधन में जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति करने से आपको समस्त संसार की हर चीज प्राप्त हो सकती है। आप जो चाहते हैं भक्ति कर, जो साधना मैंने सिखाई है ना सुबह रूप ध्यान पूर्वक, आप जो आए हैं वो सब जानते हैं। तो ऐसे रूप ध्यान पूर्वक जब आप साधना करोगे, और कैसी साधना करोगे वो तो मैंने गहराई से बता दी है सुबह के समय, फिर भी आप 1 मिनट सुनिए। यानी जब आप भगवान का ध्यान करेंगे तो ऐसा ध्यान कीजिए कि जैसे भगवान खड़े हैं आशीर्वाद मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हैं भगवान, और भगवान के कर से, उनके उस कर से, हाथ से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ये ध्यान आप करें अगर मन से रूप ध्यान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ, यानी भगवान आशीर्वाद मुद्रा में मेरे सामने खड़े हैं और उनके हाथ से प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश, वो हाथ, प्रकाशमान हाथ भगवान ने मेरे सर पर रखा, और उससे आप ये महसूस कीजिए कि मेरे शरीर से सब विकार निकल रहे हैं। कोई शरीर में बहुत बड़ा रोग है, सोचिए वो सब विकार प्रभु की कृपा से निकल रहे हैं, वो निकल रहे हैं मेरे पैरों से, निकल रहे हैं लगातार। आप करते चलिए 1 महीना 2 महीने, वो आपकी साधना के ऊपर है। ऐसा नहीं कि बिना मन के ध्यान नहीं हो रहा है और आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। रूप ध्यान होना चाहिए, मन लगना चाहिए, और पूर्ण श्रद्धा हो भगवान पे, तो आप 40 दिन 1 महीना 2 महीने करिए, तो आपके भगवान हर इच्छा को पूरी करते हैं। भक्ति करने से, साधना करने से देखना, अगर आप ये प्रतिदिन करोगे, 1 महीना करके देखिए, 40 दिन करके देखिए, 2 महीने करिए, रोज प्रतिदिन भगवान को उसी मुद्रा में खड़ा कीजिए आशीर्वाद देते हुए, और उनके आशीर्वाद वाले प्रकाशमान हाथ आपके सिर पर है, और आप ये देखिए अपने अंदर कि मेरे सारे रोग, सारे विकार, सारे दुख जा रहे हैं बाहर, शरीर से बाहर। फिर देखना आप कितना आपके अंदर आनंद आने लगेगा, आप करके देखिएगा, तब आपको स्वयं में पता चलेगा। तो भक्ति करने से क्या होता है, समस्त सुखों की प्राप्ति, जो चाहिए सब मिल जाएगा। भगवान का प्रेम देती है भक्ति, भगवान से मिलाती है, उनका प्रेम देती है। अब आपको क्या चाहिए भक्ति से, ये कल्प वृक्ष है जिसके नीचे खड़े हो जाओ सब मिलेगा। भक्ति से क्या चाहिए, संसार का सुख चाहिए, ठीक है भक्ति करो संसार मिलेगा। मोक्ष चाहिए, भक्ति करो। भगवान का प्रेम चाहिए, भक्ति करो। सब कुछ देने वाली भक्ति है, और सोच लो इतनी सरल है कि कोई नियम नहीं है। संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो आपको कितने पूजा पाठ कर्मकांड करने पड़ते हैं, या तो घर बैठे बैठे बिना खर्चे के, कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं, मन से बस भगवान का रूप ध्यान पूर्वक साधना करो, आपको सब कुछ मिल जाए। तो भक्ति से यानी समस्त शुभता आती है, ठीक है। तो ये भी अब आप समझ गए। तीसरा क्या है, मोक्ष लघुता कृत, यानी भक्ति जो जीव करता है तो भक्ति में इतना सुख है, इतना सुख है कि वो मोक्ष के सुख को भी नगण्य कर देती है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, हम लोग बहुत ही भक्त बनना है भगवान का तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखना है, बेकार है। भक्त लोग मुक्ति को भी नहीं चाहते, मोक्ष भी नहीं चाहते, वो केवल प्रेम चाहते। इसलिए ध्यान दीजिए, तो भक्ति क्या करती है, मोक्ष के सुख को भी नगण्य कर देती है। इतना सुख देती है भक्ति कि मोक्ष का सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण से मैं बता रही हूं, एक बार नारद जी
ध्यान दीजिएगा, अभी समय है, मैं आपको समय पर छोड़ूंगी, ध्यान दीजिएगा। कल समापन का दिन है, मुझे बहुत कुछ कल के बताना है, कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे और आपको क्या क्या करना है, इसलिए कहीं जाइए नहीं, ध्यान देकर के बैठ के सुनिए। तो एक बार नारद जी ब्रज में गए, ब्रज में गए और ब्रज में उन्हें क्या देखा कि ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके मुंह से निकाल निकाल कर जूठा खा रहे हैं, गोपियों के पीछे पीछे चल रहे हैं, जरा सी छाछ के ऊपर नाच रहे हैं भगवान, जरा सी छाछ के ऊपर खूब रास हो रहा है, आनंद लूट रहे हैं यशोदा मैया, कोई ऊखल से बांध रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, कोई नचा रहा है, इतना रस बरस रहा है ब्रज में। तो नारद जी ने जब ये देखा कि यहाँ पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ रस लुटा रहे हैं, तो वो एकांत में चले गए ये देखने के बाद, और जा करके यमुना के तट पर फूट फूट कर रोने लग गए, रोने लग गए। तो इतने में गोपी वहां से निकली, तो गोपी ने देखा नारद मुनि को, तो नारद जी से कहा कि अरे नारद जी क्या हो गया, आप इतना ब्रज में आकर रो रहे हैं, इतना वो भी फूट फूट के, यहाँ आनंद ही आनंद बरसता है, सदा रस प्रेम रस बरसता है और आप रो रहे हैं, क्या बात है, तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए क्या, भगवान के दर्शन नहीं हुए क्या, उनके लीलाओं की झांकी नहीं देखी क्या, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनके सुंदर सुंदर झांकियों का लीलाओं का दर्शन भी किया, सब किया है, सब किया है, तो फिर क्यों रो रहे हैं यमुना तट पे फूट फूट करके। तब भी नारद जी ने कहा ध्यान देना, नारद जी कहता मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो बड़ा सुख में हूँ, मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो मोक्ष की इच्छा करके भगवान में लीन हो जाते, उनकी ऐसी दुर्गति हो गई मोक्ष चाह करके कि वो सदा के लिए इस रस से अब वंचित हो गए हैं, यानी इस रस में कितना सुख है, इतना सुख है कि मोक्ष का सुख भी उसके आगे शून्य कुछ नहीं है, इतना सुख है भक्ति में कि मोक्ष को भी लात मारते हैं भक्त लोग, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, इतना सुख है भक्ति में। और ध्यान दीजिएगा सुदुर्लभा, चौथा बस छह ही है, अब चौथे पे पहुंच गए हैं, तो ध्यान दीजिए सुदुर्लभा यानी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, जैसे मैंने शुरुआत में बता दी कि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, मैंने पहले ही बताया है कि सब कुछ देने के लिए भगवान आपको लालच देंगे लेकिन भक्ति नहीं देते, भक्ति नहीं देते, बहुत दुर्लभ है भगवान के प्रेम को पाना, इस भक्ति को पाना बहुत दुर्लभ है, हजारों में करोड़ों में किसी किसी एक एक जीव को चुनते हैं भगवान भक्ति के लिए, सब कोई नहीं भगवान के उस प्रेम को पा सकते, हर कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे बार बार 9 दिनों से क्या कह रही हूँ, ये आपके ऊपर कृपा है, ये आपके ऊपर कृपा है कि भगवान अपना प्रेम अपनी भक्ति आप लोगों को देना चाहते हैं, वरना ये पूरी इतना प्रचार हुआ राधिका नगर के समस्त लोग क्यों नहीं आ पा रहे, समस्त कृष्णा नगर हो आसपास के और भी नगर हो वहां तक प्रचार हुआ है, क्या नहीं टीवी पर प्रचार हो रहा है, न्यूज़पेपर में जा रहा है, फिर भी इतने लोग क्यों आ रहे हैं, कृपा, ये आप लोगों पर कृपा है कि ठाकुर जी अपना प्रेम देना चाहते हैं, अपनी भक्ति आपको देना चाहते हैं, सदा के लिए आपको सुखी करना चाहते हैं, बस आप अपने पात्र को शुद्ध कर लो, जो औंघा रखा है जो उल्टा रखा है उस पात्र को सीधा कर लो, बस भगवान की प्रेम आपके अंदर बरसते बरसा देंगे भगवान, बस इस मन को शुद्ध कर लो, तो कितनी कृपा है, अकेले बैठकर रोज सोचिएगा भक्ति प्रदान करना चाहते, वरना तो सुदुर्लभा है, दुर्लभ नहीं दुर्लभ से भी दुर्लभ है भगवान के प्रेम को, कितनी कृपा कर रहे हैं, विभोर हो जाइए, लौट जाइए भगवान के चरणों में, लौट लौट करके भगवान के चरणों में बलिहार जाइए कि प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं मुझ पर कि हमको सुदुर्लभा भक्ति दे रहे, तो भक्ति अत्यंत दुर्लभ है,
हर एक को नहीं मिलती, जिस पर वो कृपा करते हैं बस उसी को अपनी भक्ति देते हैं। इसलिए भक्ति का दूसरा चौथा गुण है वो सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ से भगवान की भक्ति मिलती है, बहुत दुर्लभ से। तो हम पर उस भक्ति का, उस कृपा का, हम पर कृपा हो चुकी है। और पांचवा गुण क्या है ध्यान दीजिएगा, सांद्रा आनंदा विशेषात्मा, यानी भक्ति में लगभग जैसा मैंने तीसरा गुण बताया है मोक्ष का, लगभग लगभग उसी की प्रकार है ये पांचवा गुण भी। यानी जो भक्ति है, जो प्रेमानंद है भगवान का, उसके आगे अनंत कोटि जो सुख है, यहाँ तक कि ब्रह्मानंद भी जो ज्ञानियों का सुख है, मोक्ष यानी जो ब्रह्मानंद है, जैसे लोग कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ का जो ज्ञान हटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो ब्रह्मानंद या अनंत कोटि सुख है, समस्त सुखों को इकट्ठा कर लो, मोक्ष के सुख को भी इकट्ठा कर लो, तो भी वो भगवान के प्रेमानंद के सिंधु के एक बिंदु के बराबर नहीं है। इतना सुख है प्रेमानंद में भगवान, अनंत कोटि सुख इकट्ठा कर लो और ब्रह्म प्रेम के सागर के एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। इतना सुख है, इतना आनंद देती है ये भक्ति। बताती हूँ मैं कथा, पद्म पुराण में है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बताती, जो लिखा है शास्त्रों में वही बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लोग, मैं बस आखिरी गुण जानने के बाद इस प्रवचन को विराम दूंगी, ध्यान दीजिए अभी समय है, ध्यान दीजिए। पद्म पुराण में कथा है कि एक बार जावली मुनि जंगल गए, छोटी सी कथा है लेकिन प्रेमानंद में कितना बड़ा मतलब आनंद है उस चीज को मैं बताना चाह रही हूँ। जावली मुनि एक बार जंगल गए तो उन्होंने जंगल में क्या देखा कि बहुत सुंदर स्त्री साधना कर रही है, तप कर रही है। तो जावली मुनि उनको देखे तो जब उनके पास वो गए, वो मुनि गए और जाकर उस कन्या से, उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। तो उस स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, मैं ब्रह्म विद्या हूं, यानी मुझको पढ़ के ही ज्ञानी लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जितने भी, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि संसार में राक्षस होते हुए हम टीवी में देखते हैं ठाकुर जी राक्षस को मारते हैं, तो आप देखते हैं कि जितने जैसे देवता हैं, वायुदेव हैं, सूर्य देव हैं, साकार रूप में हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हम जानते हैं कि ये सब देव हैं, ये वायु बह रही है, ये वायुदेव हैं, एक वो वायु देते हैं संसार में, हमें प्राणों को जीने की शक्ति देते हैं, ऐसे आप जानते हैं ना कि हर जितने भी ये पंच तत्व हैं वो सब देव रूप में स्वर्ग में रहते हैं। ऐसे ही जितने ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भी एक राक्षस है जो असुर रूप में, असुर योनि में रहते हैं, जो हम लोगों को परेशान करते हैं आज दिन रात, ये सब राक्षस हैं। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने वेद मंत्र हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं, इनका भी साकार रूप होता है। जैसे मैंने कहा ना, नींद एक निद्रा देवी है, ये देवी है जो हमें नींद देती है। ऐसी सारे जितने भी आज गुण हैं, ये सबके अपने अपने एक साकार रूप होते हैं भगवान के राज्य में। ऐसी ये विद्या जो है ब्रह्म विद्या, जिसको पढ़कर ज्ञानी लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसका भी अपना साकार रूप है। सब का, वेदों का अपना एक साकार रूप है, वेद की ऋचाएं भी है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, सब है। इसे ध्यान दीजिएगा, ऐसी वो स्त्री ब्रह्म विद्या है जिसको पढ़कर ज्ञानी लोग मोक्ष पाते हैं, ब्रह्मानंद। तो वो कहती है कि मैं ब्रह्म विद्या हूं। तो उस मुनि ने कहा कि आप ब्रह्म विद्या हो, अरे आपको पढ़कर तो लोग मोक्ष पाते हैं, मुक्ति कर लेते हैं, भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हो जंगल में यहाँ, आप किसकी तपस्या कर रही हो, आपको पढ़कर तो लोग भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं, आपको क्या जरूरत है तपस्या करने की। तब फिर उस ब्रह्म विद्या ने कहा
उन्होंने पद्म पुराण में ये कथा है। तब ब्रह्म विद्या ने कहा, हे मुनिवर, मैं जो ये तपस्या कर रही, मैं जानती हूँ कि ब्रह्मानंद में बड़ा सुख है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए मैं श्री कृष्ण की, यानी श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेम के बिना अधूरी हूँ, प्रेम के बिना मुझे रस नहीं मिल रहा, तृप्ति नहीं मिल रही, और वो श्री कृष्ण से ही मिलता है, इसलिए मैं जंगल में रहकर श्री कृष्ण की साधना कर रही हूँ, ताकि मैं तृप्त हो जाऊँ, ताकि मैं पूर्ण हो जाऊँ, मुझे कमी लगती है अपने आप में, इसलिए मैं भक्ति कर रही हूँ। अब बताइए, जिनको पढ़कर लोग भगवान के चरणों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वो स्वयं भगवान के प्रेम को पाने के लिए साधना करती रहती है। सोचिए, संत होने चाहिए, या जिसको दीक्षा मान कर ले लिए हैं, या जिसको गुरु बना लिए, मान लो उस भाव का नहीं है और हमको उसके आगे वाला रस चाहिए, तो गुरु बदल सकते हैं। गुरु संत कभी बुरा नहीं मानते कि हाँ उस गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चल गए। अगर कोई संत ऐसा बुरा माने तो वो संत नहीं है, क्योंकि संत का काम है आप बस जी भगवान से प्यार करें, चाहे वो मेरे पास रहे चाहे वो वहां रहे, बस भगवान से प्यार करें। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि हमको तो और भगवान के उस प्रेम को पाना है, उस महाभाव भक्ति तक जाना है, तो आपको उस कक्षा का प्रेम करना पड़ेगा। तो इसलिए आप गुरु बदल सकते हैं, नहीं भी है तो जो साधना आप कर रहे हैं वो कीजिए जो आपके गुरु ने सिखाई है। यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं साथ में, यहाँ तो मैं दीक्षा आदि तो दे नहीं रही, यहाँ जुड़ जाएंगे तो हमारा गुरु बदल जाएगा। आप जिसको दीक्षित हैं वो आपके दीक्षा गुरु सदा रहेंगे, शिक्षा गुरु तो हजार हो सकते हैं, शिक्षा गुरु तो हजार हो सकते हैं, दीक्षा गुरु भली एक रहे। तो इसलिए आप जुड़ सकते हैं और इस साधना को भी साथ साथ जो दैनिक नियम है, जो नाम जप मंत्र दीक्षा आपको संतों ने दी है, ठीक है, उसके माला जपिए, लेकिन साधना, क्योंकि हर चीज का एक ही निचोड़ है कल्याण करने वाली साधना। कोई कुछ और कुछ नहीं कर सकता, कितना मंत्र जपिए, साधना रूप ध्यान के बिना कोई मंत्र भी हमारा कल्याणकारी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए आप जुड़िए साधना से, पर सदा के लिए मेरे से जुड़ जाएंगे तो फिर मैं तो सदा आप लोगों की सेवा में, इसी बहाने आप मिलते रहेंगे, जो पूछना है पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जब भी मैं यहाँ आऊंगी लाइन में आपको पता चलेगा, तो आप मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। तो आपको जुड़ने से ये लाभ है कि आपका और हमारा संपर्क सदा के लिए बन जाएगा, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों में भगवान के उस प्रेम को पाने का कौन जिज्ञासु है। तो आज और कल बस आखिरी दिन है, जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए, ताकि फिर मैं 12 तारीख को लोगों से मिलना चाहूंगी, क्योंकि 14 को मुझे यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान करना है, क्योंकि आगे मेरा नेपाल में कार्यक्रम है। 19 तारीख को मैं नेपाल के लिए प्रस्थान करूंगी, फिर पुनः 5 तारीख को मैं यही भिलाई वापिस आऊंगी, क्योंकि 6 से फिर मेरा कार्यक्रम है। तो मैं आना जाना करती रहती हूँ भिलाई में, तो जुड़ने से आपको सदा पता चलता रहेगा फोन पे व्हाट्सएप के माध्यम से, अभी मैं भिलाई में हूँ कि बाहर हूँ, तो जब भिलाई में रहूँ तो आप उससे मिल सकते हैं, इस साधना में आगे और बढ़ सकते हैं। सत्संग हम लोग यहाँ भिलाई में करते ही रहते हैं, कभी कीर्तन सेक्टर 6 में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर हॉल है छोटा सा, हम सब वहाँ पर सत्संग करते रहते हैं, साधना करते हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं, कभी भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप जुड़ना चाहें जरूर जुड़िए, और बहुत से लोग इस कारण नहीं जुड़ते कि कुछ गलत खान पान करते हैं, परिवार में ऐसा खान पान हो रहा है कि हाँ भाई मांस मच्छी खाते हैं तो हम कैसे जुड़े, हम तो छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, जुड़ो ना जुड़ो, वैसे तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि देखिए शास्त्र कभी भी किसी जीव को मारकर खाने का आदेश नहीं देते। मनुष्य का काम है जीवों का, यानी उनको जीवन दान देना, मारकर खाना नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसी जीव को, उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, जब किसी जीव को काटा जाता है तो उस समय उसके मन की क्या वेदना रहती है, आप जानते हैं कितना गुस्सा होगा उस जीव के अंदर। भले वो मूक है, लेकिन वो जानता है कि बस मेरे को ये काटने जा रहे हैं, वो सब जानता है, लेकिन उसके समय उसकी मन की वेदना क्या रहती होगी उस व्यक्ति के प्रति जो उसको काट रहा है, उसकी चित्त वृत्ति उस समय उसमें अटकी रहती है, भय की, क्रोध की, बदला लेने की भावना रहती है, और ऐसी चित्त वृत्ति लेके वो मरता है वो पशु,
और उसी को हम अगर जीव खाता है तो वैसे ही गुण आ जाते हैं, चिड़चिड़े, गुस्सा, हर चीज होती है केवल उसी कारण। इसलिए हम जीवों को कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई नहीं कहता कि हम जीवों को खाएं। अरे उनको भी जीने का अधिकार है, संसार में प्राण सांस लेने का अधिकार है। फिर भी अगर आप खाते हैं, आपके संसार में परिवार में ऐसा नियम है, तो कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइए। ऐसे बहुत सारे जीव थे हमारे यहाँ पे जो जुड़े हैं, पहले इतना पीते थे, इतना खाते थे, और जुड़ने के बाद सब छोड़ दिए, अपने आप स्वतः छूट जाता है। भगवान की ओर जब आप साधना करते जाएंगे तो स्वतः देखना आपके अंदर ये चीज आती जाएगी, सद्गुण आते जाएंगे, अपने आप ये सब चीजें फिर जाती हैं। गरीब परिवार खाएगा फिर आपका धीरे धीरे छूट जाएगा। आप साधना करिए तो, जुड़िए तो, बाकी आप किसी और चीज की चिंता ना कीजिए। तो एकदम से मैं नहीं कहती कि छूट जाए, धीरे धीरे छूट जाएगा, साधना करते चलेंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वैसे तो कोशिश यही कीजिएगा कि छोड़ जाएंगे आप लोग धीरे धीरे, फिर भी आप जुड़ जाइए, कम से कम साधना करते रहेंगे तो धीरे 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 आपका कल्याण हो जाएगा। इसी को करते हैं, चाहे आप खा पी रहे हो तो भी आप जुड़ जाइए। साधना में इतनी शक्ति है कि वो आपके हर विकार को नष्ट कर देगी। जैसे मैंने कहा, इस जन्म के हमारे पाप भी अनंत जन्मों के पाप सब नष्ट कर देगी। तो इसलिए जुड़ना चाहे जुड़िए, और कल साधना का राधिका नगर में प्यारी जो कितने
बैठ जाए।